डॉक्टर होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि आप इन्हें खेलने मत दीजिए। आप इनकी हालत देख ही रहे हैं, इन्हें कम से कम 2 महीने बेड रेस्ट की जरूरत है। खेलने से इनकी जान को खतरा हो सकता है। आप इनका MRI और 2D को टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर, अगले हफ्ते मुंबई में रणजी फाइनल्स है, खेल तो पाएगा नहीं। देखिए, इस वक्त ये कहना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी हालत में इनका खेलना जरूरी है। अरे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है सारा, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वीक के मैच में सिलेक्टर्स भी रहेंगे। ये मैच अर्जुन के लिए बहुत जरूरी है, वरना इतने दिनों की हुई सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आप उसकी हालत देख रहे हैं ना, उठ भी नहीं सकता है वो। ये सब देखते हुए भी आप अगले मैच की तैयारी कैसे कर सकते हैं? सारा प्लीज। बाबू प्लीज, तुम चुप हो जाओ। डॉक्टर ने जो टेस्ट के लिए कहा है उसके लिए पैसा नहीं है मेरे पास। अगले महीने की सैलरी का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे और जॉनी को छोड़ के पता नहीं ये क्या करना चाहता है सर। और आप प्लीज इसे झूठी उम्मीद मत दीजिए। देखो बाबू, फैसला करने का वक्त आ गया है। तुम मुझे या जॉनी को चुनो या क्रिकेट को चुनो। क्रिकेट खेलना है तो हमें भूलना पड़ेगा। डिसाइड कर लो। अर्जुन, हाय। आओ, ये नंदू है। हाय हाय हाय। तुम्हारी फैमिली क्या ऐसे ही हंसती खेलती रहती है? पापा, कबर्ड में मेरे पेंट ब्रशेस हैं, निकाल के दोगे? मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। चला। सचिन का पोस्टर राजू को दे दिया पापा। वो मुझसे मांग रहा था। हमारे क्लास में किसी के भी पापा की फोटो पेपर में नहीं आई है, पता है? मेरे हीरो तो आप ही हो ना पापा, इसीलिए मैंने सचिन का पोस्टर उसे दे दिया। पापा, आप फिर से क्रिकेट खेलोगे ना? तू क्या बोलता है, खेलना चाहिए नहीं? खेलो ना पापा, आपकी बैटिंग बहुत अच्छी है, मुझे हीरो जैसे लगते हो। सारा मैडम, घर आ गया आपका। सारा, सारा। जॉनी शबाना क्या खेलेंगे? मैं ऐसे जी नहीं सकता हूं सर, मुझसे नहीं होगा। मतलब मैं तुमसे ये सब गुस्से में नहीं कह रहा हूं। एक बात बताऊं, मुझसे कोई भी उधार वापस नहीं मांगता। पता है क्यों नहीं मांगता? क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं उधार लौटाने की मेरी औकात ही नहीं है। एक हारा हुआ इंसान समझकर लोग बस मुझ पर तरस खाते हैं। किसी जमाने का महान क्रिकेटर आज बाई बाई का मौत आ जाए। जिंदगी ने बहुत मौके दिए मुझे, पर मैं ही कुछ नहीं कर पाया। इस दुनिया में अगर कोई मुझसे बिना मतलब के मोहब्बत करता है तो वो सिर्फ मेरा बेटा है। उसका पापा कम कमाता है, ज्यादा कमाता है, सक्सेसफुल है या नाकारा है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ पापा चाहिए और कुछ नहीं।
पर आज पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है, वो भी कोई बड़ी चीज नहीं, बस एक मामूली सी जर्सी मांगी थी, वो भी उसे दिला नहीं पाया। अपने बर्थडे पर उसने मुझे चोर कहा, पर आज अलमारी में सचिन की फोटो हटाकर मेरी फोटो लगा दी। पता उसने मुझसे क्या कहा? कहते हैं पापा जब आप खेलते हो ना तो मुझे हीरो जैसे लगते हो। सारा मैं उसकी नजरों में दोबारा नहीं गिरना चाहता हूं, उसकी नजरों में नहीं गिरना चाहता। मुझे मत रोको सारा, जाने दो मुझे। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी कदर नहीं, कदर तो उस इंसान की नहीं है जो सोफे पर बैठ के सिगरेट फूंकता था और घर का कोई काम नहीं करता था, वो सरजून की जो अपने बच्चे की एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाए, वो सरजून की अपनी बीवी किचन में रोता हुआ छोड़ जाने वाले बदतमीज़ चुन की। तुमने मुझे कितना बर्दाश्त किया, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। अगर ट्रेन से जाते तो तुम थक जाते। कल सुबह 5 बजे की फ्लाइट होटल ट्रैवल डेस्क से बुक की थी, सब कुछ भुला के आज की रात मेरे साथ अच्छे से गुजार लो बाबू प्लीज। किससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे या जॉनी से? तुम झूठ मत बोलो। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आपका स्वागत है। आज रणजी ट्रॉफी फाइनल का पहला दिन मुंबई और हैदराबाद के बीच। ये फाइनल मैच है, स्टेडियम खचाखच भरा है और ये पहला रणजी मैच है रणजी टूर्नामेंट के इतिहास में। और मुंबई टॉस जीत चुकी है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और ये रही मैच की पहली गेंद और मुंबई ने अपना खाता खोल दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए और फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। एक और सनसनाता हुआ शॉट सीधा 4 रनों के लिए। हैदराबाद की टीम को अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला और ये बोल्ड हैदराबाद को पहली सफलता। भावेश की शानदार पारी। मैच का दूसरा दिन, मुंबई का बड़ा स्कोर, गुड शॉट। मुंबई आसानी से रन बना रही है। मुंबई ने बनाए हैं 454 रन 6 विकेट पर और अपनी पारी डिक्लेयर कर दी। ऑल द बेस्ट, लेट्स डू इट। तीन खिलाड़ी स्लिप में और एक गली में, शमी पहली गेंद डालने को तैयार। बाउंसर, गेंद की रफ्तार को बैट्समैन समझ ही नहीं पाए और ये बोल्ड। पारी की शुरुआत में ही हैदराबाद ने अपना पहला विकेट खोया और ये लगा फाइन एज, दूसरा विकेट डाउन और ये तीसरा विकेट। शमी की यॉर्कर गेंद और गिल्लियां बिखर गईं। शानदार गेंदबाजी। हैदराबाद बहुत ही नाजुक स्थिति में दूसरे दिन का खेल खत्म 45-4। रणजी फाइनल्स का तीसरा दिन और हैदराबाद को चमत्कार की जरूरत। क्या अर्जुन पारी संभाल पाएंगे? बोल्ड, अर्जुन पहली बार नाकाम होते हुए हैदराबाद पे मायूसी की लहर। खतरनाक बल्लेबाज अर्जुन पेविलियन जा रहे हैं। हैदराबाद के लिए एक और जोरदार झटका। हैदराबाद की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।
और ये बोल्ड और ये कैच आउट। एम्पायर ने उंगली उठा दी। बैक टू पवेलियन। खेल का चौथा दिन, सटीक बल्लेबाजी, एक और बेहतरीन चौका। मुंबई ने 568 रन का टारगेट दिया है, जिसे हैदराबाद को चेस करना आसान नहीं होगा। तूने बहुत बेकार फील्डिंग की, तेरी घटिया बॉलिंग की वजह से उनके इतने रन बने। अब ये फालतू की बातें करके कोई फायदा नहीं है। तूने देखा ना सारे बॉलर्स की कैसे धुलाई की, जीतने का कोई चांस ही नहीं। इतनी मेहनत की हम लोगों ने, ऐसा लगता है सारी मेहनत पर पानी फिर गया। यहाँ तक पहुँचना भी बड़ी बात है। कैसे जीतेंगे कल का मैच, खुद को साबित करने का वक्त आ गया है। परसों बाद बच्चे से मिले प्यार और इज्जत को मैं खोना नहीं चाहता। मैं उसका सुपर हीरो बन के रहूंगा। मैं जीत कर सारा को गलत साबित कर दूंगा। जीतने के लिए 90 ओवर में 568 रन का टारगेट है। 6.31 के रन रेट से खेलना होगा। अगर मैच ड्रॉ भी हुआ तो रूल्स के हिसाब से फर्स्ट इनिंग के स्कोर को देखते हुए मुंबई ही जीत जाएगी। इस मैच को जीतने के लिए हमें ये टारगेट चेस करना ही पड़ेगा। कल तो पिच और खराब हो जाएगी सर, 90 ओवर में 568 रन बहुत टफ है सर। वो तो है सर, मैं ओपनिंग पे जाऊंगा। इस टैबलेट के ज्यादा इस्तेमाल से ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। हैदराबाद ने अपनी बैटिंग लाइनअप में बदलाव किए हैं। नंदन रेड्डी के साथ अर्जुन ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं। वाकई काबिले तारीफ है मुंबई, उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर सेट किया है। इस मैच को जीतने के लिए हैदराबाद को चमत्कार की जरूरत है और 568 रनों का लक्ष्य, वो भी 90 ओवर्स में, जो इस पिच पर हासिल करना बहुत मुश्किल। अर्जुन स्ट्राइक पर है और शमी दूसरी पारी की पहली गेंद डालने के लिए तैयार है। ओ, बहुत ही खतरनाक बाउंसर, आक्रामक गेंदबाजी शमी द्वारा। क्या हुआ, बॉल नहीं दिख रहा है क्या, चश्मा लगाना भूल गया? बल्लेबाज का ध्यान भटका रहे हैं। क्या बल्लेबाज बदले में इसका जवाब दे पाएंगे? पापा, आप दुनिया के लिए नहीं, आप मेरे लिए खेलो। खिलाड़ियों का खूबसूरती से इस्तेमाल किया, जबरदस्त शॉट। हैदराबाद का करारा जवाब। अर्जुन और